मामूली सी कहा सुनी को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा, पिनंगवा पुलिस को दी शिकायत। बता दें कि पीड़ित सुजान सिंह ने बताया कि उनके ही बगल की एक प्लॉट में पड़ोस की एक बच्ची बोतलें फोड़ रही थी, जिसके बारे में उन्होंने मना किया तो बच्ची ने अपने पिता को कहा इसके बारे में, तो उनके पिता बिना कुछ कहे यहां पर आए, गाली गलौज करने लगे और उनके साथ मारपीट की। इस मारपीट में उनके पैर में भी चोट आई है, जिसकी शिकायत डायल 112 पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अब उन्होंने पिनंगवा थाने में भी शिकायत दे दी है, जिसके बाद सुजान सिंह ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच करने की मांग की है। सुजान सिंह जी, क्या कुछ मामला हुआ था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है? कुछ नहीं था जी, ऐसा था मैं यहाँ अपने दरवाजे पर खड़ा था, ऐसे ही काम वाम था नहीं, मैं ऐसे यहाँ खड़ा था, तो वो हमारे पड़ोस की लड़की हमारी प्लॉट में वो फेंक रही, क्या कह रही, बोतलें फेंक रही थी, तो मैंने एक बार उसने फेंक की तो दो फूट गई, तो फोड़ने के बाद मैंने कुछ कहा नहीं उससे, फिर उसके बाद मैं दोबारा लाई हूँ धड़ाक देर से फेंकने के लिए, मैंने ये कहा तू पागल है क्या, इतना कहा मैंने बस खा ली। उसने क्या कहा, एक ऑटो वाला भी यहाँ खड़ा था, उसने जाकर कुछ कहा नहीं, उसने तो ऐसे ही कहा कि भाई तुम अपनी बोतलें मतलब पोछ रख दो, उसे कुछ नहीं कहा उसने, तो मैं अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने अपने घर पे जाके क्या कहा, अपने बाप को क्या कहा, कहा ना कहा मेरे यहाँ आके नहीं हाथ अपाई करी उसने, उसके पिता ने हाथ अपाई करी। हाथ अपाई करने के बाद में फिर वो भगा कह रहा बहन काने तेरी दूसरी आँखें फोड़ूंगा, मेरी छोरी तूने पागल पागल कैसे कह दी, पागल क्यों कह दी, मैंने कहा यार ऐसे तो कह ही देता, मैंने कहा बाड़ा क्यों, तो मैंने कोई गाड़ी वाली थोड़ा, मैं नहीं तो कि तू पागल है क्या, दोबारा फोड़ रहे तेज जगह रख दे इनको, या तो कबाड़ी उठा ले जाएगा, कबाड़ी उठा ले जाएगा, बस इतनी कही है उसने। मेरे हाथ तपाई यहाँ करी है, मेरी टी शर्ट फाड़ी है उसने, यहाँ फाड़ दी थी, फिर उसके बाद में फिर यहाँ से गया काने तुझे देख रहा हूँ, भगा भगा गया घर के अंदर, जब लठ उठा कर लेकर आया मैं फिर अंदर आ गया और उन्होंने कह दिया कि तू जान का मुँह लगे, चल जान, वो वहाँ से पी का है क्या कर का है वो मेरे को पता नहीं, तो ऐसा नहीं करता, वो पी के नहीं, मेरे दिन क्या कहा उसको, बस ये कहा था तपाई गई, तो उसके बाद में मैं शांत हो गया। शांत होने के बाद में इसने बुलाइए, क्या कह करे 112 बुलाइए, वो सीधे आए हैं, कोई बता रहा था मेरे को यहाँ भग के गया है, भग के जाकर उनके पास बैठा है, फिर उनके साथ ऐसे ऐसा है, कौन था, उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा, आते ही अंडों में दिया धैड़ 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 धैड़, मेरे कपड़े निकलवाए, कपड़े निकलवा के नहीं मेरे यहाँ मारी उसने, पहले यहाँ मारी वहाँ पर मारी, हाँ हाँ लाठी मारी, एकदम खून नीचे निकल गया, फिर उन्होंने मेरे कपड़े निकलवाए, कपड़े निकलवा के मारा है, जब मैंने कहा अब मार, हाँ मार मार, वहीं वो कौन पुलिस वाला था वो मेरे को नौकर थाने चल, मैंने किस बेस के ऊपर चलूँ, और दारू पी रखी थी, धुत था जो लट चला रहा था, दारू पी के धुत था पूरा, उसकी वो वर्दी में नहीं था, एक वर्दी में था, बिना वर्दी के पुलिस वाले, हाँ हाँ हाँ, पूछताछ नहीं की, बिल्कुल नहीं की मुझसे पूछताछ, आते ही दह धड़ाधड़ मारा है, दह धड़ाधड़, एक मेरा ग्राहक बैठा था, मैं भुजिया बना रहा था, उसके भी एक डंडा मारा है, अच्छा। उसके भी खींच के मारा, वो बेचारा वहीं खड़ा होकर इधर को भाग गया, मैं मेरे क्यों मार रहा हूँ, उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसने दह धड़ाधड़ करा बस काम आके, फिर पब्लिक इकट्ठी होगी, अब मैं ये चाहता हूँ मेरी जाँच पड़ताल हो अच्छी तरह से, और प्रशासन मेरे को न्याय दे, इंसाफ मिलना चाहिए मेरे को। मेवात का सबसे मशहूर दवाखाना जिस पर होता है हर बीमारी का इलाज देसी जड़ी बूटियों से, मलखान दवाखाना पर होता है गंभीर बीमारियों के इलाज चुटकियों में। अगर आप भी हैं कैंसर, एड्स, नामर्दी, लाल पानी वे सफेद पानी, पथरी और जोड़ों के दर्द से परेशान, तो देसी जड़ी बूटियों से होगा समाधान, मलखान दवाखाना।